up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And सब कैसे हैं. आज मैं आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ 2014 टोयोटा लैंड क्रूजर ZX का. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट हेडलैम्प्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सारी असेंबली है जहाँ पर लैंड क्रूजर इंग्रेव्ड हुआ है आप जैसे देख सकते हैं. और यहाँ पर आपकी इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल लैंप्स लाइट्स हैं. और यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर लैंप है लो बीम्स के लिए. हाई बीम के पास आपके पास हैलोजन का मल्टी बीम रिफ्लेक्टर है. और नीचे बम्पर पे आपके पास फॉग लैंप्स हैं जहाँ पर आपको फिलामेंट बल्ब्स मिलते हैं. और प्रोजेक्शन लैंप्स में आपको एलईडी वाइट बल्ब्स मिलते हैं, ना कि फिलामेंट वाइट बल्ब्स.
और जो हेलोजन है वहाँ पर आपको सिंपल फिलामेंट बल्ब मिलता है, येलो और ऑरेंज जो भी आप कलर का होता है। और गाड़ी के फ्रंट बम्पर के अंदर दो पार्किंग सेंसर्स दिए गए, जैसे आप देख सकते हैं कि वन इधर है और दूसरा इस साइड पे, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और ये जो है ये ZX वेरिएंट है और ये मॉडलिस्टा बॉडी किट के साथ इक्विप्टेड है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपकी नॉर्मल लैंड क्रूजर AX AX J के अंदर नहीं आता, इसे ZX के अंदर ही आता है, ये ऑप्शन होती है बेसिकली। और यहाँ पर आपका फ्रंट पार्किंग कैमरा है, जैसे आप देख सकते हैं ये लोगों के अंदर टोयोटा सेंसिंग का रडार लगा हुआ है, गाड़ी के ऊपर फ्रंट विंडशील्ड पे रडार लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं ये रडार लगा हुआ है। गाड़ी अपने आप को ऑटो ब्रेक भी कर सकती है, अगर इसके सामने कोई गाड़ी आ जाए या कोई पेडेस्ट्रियन आ जाए ये गाड़ी अपने आप को ऑटोमेटिकली ब्रेक कर लेती है। मोटरवे पे अगर आपने क्रूज़ कंट्रोल सेट किया हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल असिस्ट होता है जैसे आपकी मर्सिडीज़ के अंदर डिस्ट्रॉनिक प्लस होता है, ऐसे आपने 120 किलोमीटर की स्पीड सेट की हुई, अगर आपके आगे कोई गाड़ी आ गई ऑटोमेटिकली गाड़ी अपनी स्पीड रिड्यूस करेगी, और जब गाड़ी आगे से हटेगी ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज़ कर लेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें रडार ऑटो ब्रेक भी असिस्ट है जो कि अप टू अ स्पीड काम करता है, 160 की स्पीड तक काम करता है, 160 के बाद ही डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि 160 के बाद आप खुद अपने कंट्रोल में गाड़ी लेनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी की बहुत मैसिव ग्रिल है, लोग मुझे कमेंट करते हैं आप मैसिव बहुत कहते हो, यार मैसिव मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वाकई में इतनी मैसिव ग्रिल है। और गाड़ी की पूरी फ्रंट बोनेट के अंदर भी क्रोम गार्निशिंग है पूरी, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर भी सारा क्रोम है, ग्रिल्स के अंदर भी सारा क्रोम है, एम्बलम के अंदर भी सारा क्रोम है, लाइट्स के बिल्कुल इवन पैचेस के भी सारा क्रोम लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और इवन मॉडलिस्टा बॉडी किट के भी ऊपर सारा क्रोम इंग्रेव्ड हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपकी लाइसेंस प्लेट लगती है, रजिस्ट्रेशन प्लेट, और यहाँ पर आपका एक और बड़ी सी ग्रिल है मैसिव सी आपकी रेडिएटर कंडेंसर को कूल डाउन करने के लिए, ताकि सारी हीट रिड्यूस की जा सके। और ये गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड जैसे आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने वाइपर जो है वो चलाएगी जब बारिश का पानी डिटेक्ट होगा स्क्रीन के ऊपर। ये गाड़ी के 20-inch अलॉय व्हील्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे हैं, और ये सिर्फ ZX वेरिएंट के अंदर आते हैं इस तरह के डिज़ाइन वाले अलॉय रिम्स, ये बकाया दूसरा डिज़ाइन होता है वो आपके AX AX J के अंदर नॉन ZX वेरिएंट होता है। गाड़ी के अंदर आपके पास एयर लिफ्ट सस्पेंशन भी है, जो कि मैं आपको अभी ऑन फर्दर वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इसको एयर सस्पेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर एयर सस्पेंशन लगी हुई है, गाड़ी आगे पीछे से अपने आप को लिफ्ट भी कर सकती है और अपलिफ्ट भी कर सकती है, डाउन लिफ्ट भी कर सकती है। और गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा आपके पास, दोनों अपने फ्रंट साइड मिरर्स के अंदर कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, दो कैमराज आपके साइड मिरर्स के अंदर हैं, एक गाड़ी के फ्रंट के अंदर है और गाड़ी के एक बैक में है, तो गाड़ी आपको एक 360 डिग्री कैमरा का व्यू पूरा देती है। गाड़ी के चारों दरवाज़ों के अंदर कीलेस एंट्री दी गई है, जैसे आप बटन देख सकते हैं, मैं यहाँ से लॉक करता हूँ गाड़ी को, ना कि ये अकॉर्ड या सिविक की तरह है कि ऐसे मैं आगे वाले डोर से ही करूँगा, मैं पीछे वाले दरवाजे से गाड़ी को खोल सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं खोल लिया, जैसे आप देख सकते हैं मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ, यहाँ से मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया, गाड़ी इस वक्त लॉक हो चुकी है, मैं गाड़ी को ओपन भी कर सकता हूँ इसी डोर हैंडल से। गाड़ी का यहाँ पर आपको फुट पैनल दिया गया है, तो जब गाड़ी रेज्ड अप होती है हाइट पे होती है ताकि आपको उतरने में और अंदर बैठने में आसानी हो, जब आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो आप अपना यहाँ पर फुट इस तरह रखते हैं ताकि आपके पास ग्रिप हो, फिर आप दरवाज़ा खोलते हैं, फिर आप गाड़ी के अंदर जाके बैठते हैं ताकि पास आपके पास इजी एक्सेस हो, ताकि आपको उतरने में ज़्यादा तंगी ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ फुट जो पैनल है उन दोनों तरफ पे एक ये फिलामेंट बल्ब्स की लाइट दी हुई, ताकि रात को आपको यहाँ पे नज़र आए कोई चीज़ तो नहीं गिरी हुई, कीचड़ तो नहीं गिरा हुआ, ताकि आपके पाँव गंदे ना हो। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स हैं, गाड़ी के जो फ्रंट व्हील्स हैं वहाँ पर आपको 4 पिस्टन कैलिपर मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 2 पिस्टन हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, इसके बैक साइड पे भी एक ऊपर एक नीचे पिस्टन लगा हुआ है, और बैक व्हील के अंदर भी डिस्क ब्रेक्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलेगा जो कि उस साइड पर ही है, 4 पिस्टन कैलिपर नहीं है बैक साइड। गाड़ी के डोर पैनल्स पे भी आप देख सकते हैं कि क्रोम हैंडल्स लगे हुए हैं डोर हैंडल्स पे, जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी के नीचे भी क्रोम ही क्रोम इंग्रेव्ड किया गया है, ताकि बहुत ही प्यारी और स्पोर्टी टच और लुक देने के लिए। ये गाड़ी की हाई रूफ माउंट है, स्पोर्ट्स बॉडी किट है, जो कि मोस्टली ZX के अंदर ही आती है सिर्फ।
अगर हम आते हैं बैक साइड पे, बैक साइड के पास आपकी ये जो इससे पहले मॉडल आता था उसके अंदर पहले पुरानी लाइट्स आती थी और फ्रंट में पुरानी लाइट्स आती थी जिसमें प्रोजेक्शन लैंप्स नहीं होते थे। वो 2008, 2009, 2010, 11 का मॉडल है। 2012, 13 में ये वाली शेप आई थी जिसमें हेड जो रेयर और फ्रंट जो लाइट्स हैं और रेयर और फ्रंट बम्पर में थोड़ी चेंजेस आई थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास अपनी मल्टीपल LED का ब्रेक लैंप है, साथ ही साथ आपकी इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स हैं, साथ ही साथ आपके पास अपनी इंटीग्रेटेड रिवर्स लाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ZX का बैज लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर आपका टोयोटा का एम्बलम है, यहाँ लैंड क्रूजर इंग्रेव्ड हुआ है पीछे, और ये भी सारा क्रोम में है। ZX का भी बैज सारा क्रोम के अंदर है, V8 का भी सारा बैज क्रोम के अंदर लगा हुआ है। गाड़ी के पीछे भी पीछे वाले विंडशील्ड के लिए एक वाइपर दिया गया है। गाड़ी के यहाँ पे हाई माउंट ब्रेक लैंप भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक वॉशर लगा हुआ है अंदर इस कंपार्टमेंट पे, यहाँ से पानी निकलता है ताकि आपकी रियर विंडो साफ हो जाए। और आपके जो पीछे वाला बम्पर है उसमें फोर्थ पार्क के सेंसर्स दिए गए हैं जैसे आप देख सकते हैं, और ये बैक बम्पर भी और साइड बॉडी किट जितनी भी क्रोम और जो फुट रेस्ट है जिसके अंदर लाइट लगी हुई सारी मॉडलिस्टा बॉडी किट का पार्ट है सारा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अटैचमेंट है बॉडी किट के, ये मॉडलिस्टा बॉडी किट लगी हुई सारी बम्पर के नीचे जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ की नॉर्मल लैंड क्रूजर AX1J के अंदर नहीं आती, उनके अंदर भी आप लगवा सकते हैं लेकिन वो एक ऑप्शन है। ZX के अंदर प्री इंस्टॉल आती है क्योंकि काफ़ी हाई वो एंड वेरियंट मॉडल होता है। जैसे हैं रेयर बम्पर के अंदर फोर पार्किंग सेंसर दिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका है फ्यूल टैंक जैसे आप देख सकते हैं, जो कि रिक्वायर करता है ओनली प्रीमियम गैसोलीन। गाड़ी की ट्रंक खोलने आपके पास सिर्फ दो ही तरीके हैं क्योंकि जो गाड़ी का जो रिमोट है की फॉब है वहाँ पर आपके पास कोई भी बटन नहीं दिया गया रिमोट पर, जैसे आप देख सकते कोई बटन नहीं दिया गया। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आपका पार्किंग रिवर्स कैमरा दिया गया है, और यहाँ पर ये आपका ये रे लाइट्स दी गई नंबर प्लेट्स के लिए, और ये लैच है एक बटन है जिसका पुश करते हैं ये आपकी पूरी ट्रंक जो है ओपन हो जाती है। ये देखें पूरी जो गाड़ी की ट्रंक है ये ओपन हो गई है। और अगर आपको इस टेल गेट को नीचे करना है तो आप इस लेवर को पुल करते हैं इसको, और ये पूरी जो है ट्रंक ये वाला पास नीचे आ जाता है। आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा कवर्ड है, इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ पैसेज हैं, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास अपनी टायर रिपेयरिंग किट भी होती है आपके साइड वाले पैनल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास थोड़ी बहुत रिपेयरिंग किट है अपनी टायर्स को बोल्ट एंड अनबोल्ट करने के। अगर टायर स्पेयर टायर की बात की जाए, गाड़ी का स्पेयर टायर ये नीचे लगा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, और वो सामने जो ब्लैक बॉक्स है, बॉक्स नहीं तरह का, वो रेयर डिफरेंशियल है ताकि पीछे वाली व्हील्स को जो चलाता है। जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर 8 सीट्स आती हैं, दो आगे बैठने के लिए फ्रंट पैसेंजर्स, 3 सेंटर और 3 पीछे। देखें यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा ख्याल है सिर्फ ये कंफर्टेबल है 2 के लिए, लेकिन अगर आप 2 टीनएजर्स हैं और 1 बच्चा है तो पीछे 3 भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सारे सीट कंट्रोल्स हैं लेफ्ट साइड के लिए। देखें अगर मैं पुश करता हूँ इसको, चेंज करता हूँ, ये नीचे चला गया बटन के ज़रिए, और मैं गाड़ी ये देखें बटन के ज़रिए मैं इसको फोल्ड भी कर सकता हूँ बटन के ज़रिए से, और यहाँ से आपके बटन के ज़रिए से लिफ्ट हो जाती हैं सारी सीट्स, जैसे आप देख सकते हो बटन से, और आगे पे जाके लॉक हो जाती है वहाँ पे जाके सीट्स। आप देख सकते हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक ट्रंक क्लोज नहीं आता, जिस पे यहाँ पर बटन लगा होता है वो एक ऑप्शन होती है। जैसे आप लोकल गाड़ियों के अंदर नेविगेशन सिस्टम के लिए ऑप्शन लेते हैं, वो इस गाड़ी के अंदर ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर आपके पास एक हैंगर दिया हुआ है आपकी ट्रंक को नीचे क्लोज करने के लिए। और यहाँ पर आपके पास 100 वाट का AC अडेप्टर है पीछे वाली सीट्स के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास अपना जैक स्टैंड की जगह ही आप इसको पुल करते हैं, यहाँ पर अंदर आपका सारा जैक स्टैंड की किट पड़ी है। जैसे आप देख सकते हैं आपको गाड़ी खुदा ना खासा टायर पंचर हो, सारी आपका जो जैक स्टैंड है वो यहाँ पड़ा हुआ है बेल्ट के अंदर बंधा हुआ है। आप इसको निकालेंगे, बेल्ट खोलेगी साइड से, बेल्ट का वो एक क्लिप लगा हुआ है, आप इसको खोलेंगे ये सारा कंपार्टमेंट भरा जाएगा। यहाँ पर आप कोई चीज़ भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, ये कंपार्टमेंट बहुत ईजिली बंद भी हो रहा है आप देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर टोटल 12 स्पीकर आते हैं, 2 तो यहाँ पर लगे हुए हैं ट्रंक के अंदर, 1, 2 और एक वहाँ पर भी लगा हुआ है, एक वहाँ पर भी लगा हुआ है, और आगे भी बहुत ज़्यादा हैं। पीछे 3rd रो पैसेंजर्स के लिए भी AC वेंट्स दिए गए हैं 3rd रो के लिए, और वो वाले 2nd रो के लिए, ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी 3rd रो के लिए दिए गए हैं और वहाँ पर भी 2nd रो के लिए दिए गए हैं। और ये एक तरह की इसकी वायर है जो इसको होल्ड करके रखती है। आप इसके ऊपर बेशक बैठ जाएँ इसको कुछ भी नहीं होगा, इसके ऊपर वेट लिमिट कोई भी नहीं है, आप इस पर जितना वेट मर्जी बिठा दें।
इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लोज टेल गेट बटन तो है नहीं, लेकिन आपको मैन्युअली करना पड़ता है इसको, आप पुल करते हैं। बहुत इजीली लाइट वेट है, ये पूरा क्लोज होता है पैनल, यहाँ से ये ओपन होता है, और यहाँ के आपके पास हैंगर दिया हुआ है जिससे आपकी जो ट्रंक है ऑटोमेटिक क्लोज रहती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपकी सेकेंड रो सीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है, यहाँ से ये लेफ्ट साइड का स्विच है और वहाँ पर राइट साइड का स्विच लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं सीट को आगे करना चाहूँ, मैं इसको यहाँ पे पुश करूँगा, ये पूरी सीट आगे आ जाएगी ताकि मेरे पास पीछे जाने की जगह हो। ये सीट जब आगे फुल आ जाएगी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। जैसे ये सीट फुल आगे आ चुकी है, यहाँ से आप लिवर पुल करेंगे, ये सीट नीचे आएगी, और तो जब आप लिवर को पुल करते हैं ऑटोमेटिकली सारी सीट जो है ये फोल्ड हो जाती है आगे की तरफ, और यहाँ पर इसके हुक्स हैं जहाँ पर ये सारी सीट लॉक हो जाती है, और यहाँ पर आपके पास सर आपका थर्ड रो पैसेंजर सीट है जहाँ पे आपको मैं अभी बैठ कर दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त थर्ड रो पैसेंजर सीट के अंदर मेरे पास बहुत सी हाइट स्पेस है, बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। ये सीट्स आगे हैं थोड़ी बहुत, बिल्कुल एंड की तरफ हुई, मेरे पास थोड़ी सी भी स्पेस है, लेकिन अपनी फुल लेग स्ट्रेच नहीं कर सकता क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा आगे हुई हैं सेंटर वाली। तो ये पीछे वाली सीट्स छोटों बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, और यहाँ पर आपके पास थर्ड रो सीट के लिए भी लाइट्स दी गई हैं, ये डोर पे एडजस्ट हो सकती हैं, वैसे भी इल्यूमिनेट हो सकती हैं। और यहाँ पर आपके पास स्पीकर्स एक और दिए गए हैं, गाड़ी के अंदर टोटल 12 स्पीकर्स आते हैं। जैसे आते हैं, चार तो गाड़ी की रूफ पर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर, एक वो, तीसरा वो, चौथा यहाँ पर, और दो यहाँ पर बैक पर लगे हुए हैं, एक उस साइड पर भी है। यहाँ पर भी आपका एक एसी वेंट दिया गया है जैसे आप देख सकते हैं, और गाड़ी के यहाँ पर दोनों साइड पे दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, दो इधर हैं, और सम स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर आपके पास भी है। उस साइड पे भी आप देख सकते हैं दो कप होल्डर्स और स्टोरेज कंपार्टमेंट आपके पास, और पीछे वालों के लिए दो एसी वेंट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत आराम से अपनी जो एयर है मैं वहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी तरफ के लिए, और वो जो एसी वेंट्स हैं वो सेंटर वाली रो सीट्स के लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर रेयर एंटरटेनमेंट नहीं आता क्योंकि वो ऑप्शन थी, इस गाड़ी के अंदर वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन गाड़ी के यहाँ पर एक एलसीडी आती है जो मैं गाड़ी जब स्टार्ट करूँगा आपको पूरा पर्सनली दिखाऊँगा भी कि किस तरह एक्टिवेट करते हैं इसको, किस तरह बाहर लेके आते हैं और किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए बहुत आराम से इन्होंने जगह दी हुई, यहाँ पे आप फुट अपना रख सकते हैं बहुत आराम से। इन्होंने पैच दिया हुआ है कि यहाँ पे अपना फुट पैनल पे वहाँ पैर रखे, यहाँ पे को अपना पैर रखे, यहाँ पर आप बहुत इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। और गाड़ी की सेंटर रेयर सीट्स के अंदर आइसोफिक्स के स्पॉट्स भी दिए गए हैं ताकि आपकी जो बेबी की रॉकर है वो आपके यहाँ पर फिट कर सकते हैं। यहाँ पर हुक्स दिए गए जैसे आप देख सकते हैं, उस वाली सीट पर भी एक दी गई है। गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एयर बैग दिए गए हैं, जैसा देखते हैं सीट के अंदर भी SRS एयर बैग दिया गया यहाँ पर इस कंपार्टमेंट पे, दोनों साइड की सीट्स पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड कर्टन भी एयर बैग दिया गया है दोनों साइड्स पे। ऐसे आप देख सकते हैं, आपको मैं दूसरी साइड का भी दिखा देता हूँ, वहाँ देख सकते हैं दूसरी साइड का भी आपको एयर बैग दिया गया। जो रेयर डोर हैं, डोर पैनल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 4x4 डोर हैंडल्स पे आपको ट्वीटर दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं चारों दरवाजों पे ट्वीटर्स छोटे लोकेटेड हैं आपके डोर हैंडल से, बहुत मैसिव से, बहुत बड़े से डोर हैंडल हैं जैसे आप देख सकते हैं, क्रोम प्लेटेड हैं। यहाँ पर आपके पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ऐश ट्रे दी गई है, सारी विंडोज़ ऑटोमेटिक अप एंड डाउन है। यहाँ पर आप तकरीबन 1/2 लीटर की बॉटल स्टोर कर सकते हैं, और आपके पास सम स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। यहाँ पर आपके पास चारों दरवाजों पर बड़ा स्पीकर भी है, एक छोटा स्पीकर भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेंट है जो कि हीट निकालता है आपकी हीटेड एंड कूल सीट्स। इसमें कूल सीट्स तो आती नहीं है, कूल सीट्स वो होती हैं जो पे आप हीट सीट्स ऑन नहीं रखते। पाकिस्तान वैसे भी इतना गर्म मुल्क है, गर्मी इतनी थी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, नॉर्दर्न एरियाज़ में शायद आपको ज़रूरत पड़े। ये हाई लो का मतलब है, अगर आपको हीट लो चाहिए आप लो पे रखें, हाई चाहिए तो हाफ हाई पे रखें। ऑफ भी है, गाड़ी के अंदर ड्यूल ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी है, उसका मतलब ये है यहाँ से अगर मैं गाड़ी का जो टेम्परेचर यहाँ पे हाई पे सेट करता हूँ ताकि मुझे हीट आए, मतलब मैं हीटर चला सकता हूँ, यहाँ वाला पैसेंजर जो अपनी साइड की ग्रिल जो है AC चला सकता है, जैसा मैं आपको अकॉर्ड के रिव्यू में बताया था। यहाँ पर सेपरेट मेरी यहाँ पर हीटर चल रहा होगा, यहाँ पर सेपरेटली मेरा AC चल रहा होगा, यहाँ ड्यूल ऑटो क्लाइमेट दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 120 वॉट का यहाँ पर प्लग दिया हुआ है, सॉकेट दी हुई है, और यहाँ पर आपके पास ये कंट्रोल करने के लिए वीडियो जो है, वीडियो का VGA केबल्स आप लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास
दोनों साइड्स के फ़ोन के यहाँ आपके हेडफोन सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस प्लेयर पे अपनी मूवी कोई देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने हैंड फ्री या कोई भी अपने एयरफोन्स कनेक्ट करेंगे और यहाँ से आप दोनों साइड्स के वॉल्यूम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हैंड फ्री एयरफोन्स की केबल लगते हैं, यहाँ से आप दोनों साइड के वॉल्यूम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑटो क्लाइमेट भी है, ऑटो भी कर सकते हैं आप, इसको फ़ैन की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। अब मोड है डिफरेंट, आपको हवा कहाँ चाहिए, आपको यहाँ पर पैरों में चाहिए है, आपको या अपने बिल्कुल आपको अपने फेस पे चाहिए, आप चेंज भी कर सकते हैं। साथ गाड़ी की जो सेंटर सीट्स है उनके लिए यहाँ पर लाइट्स दिए गए हैं, यहाँ पे जो LCD लगी हुई है, जब गाड़ी मैं ऑन पोजिशन करूँगा आपको LCD भी रन करके दिखाऊँगा। यहाँ पर आपकी लाइट्स हैं जहाँ पर आपको LED बल्ब्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ना कि आपको फिलामेंट गंदे से बल्ब मिलते हैं। और यहाँ के आपके पास एक बड़ी लाइट भी है जो कि आपके डोर्स पे इल्यूमिनेट होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि गाड़ी के डोर पैनल सारे लेदर के अंदर हैं, इसे सारे लेदर स्टिच्ड, जैसे थे वुड पैनल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं गाड़ी के डोर पैनल्स के अंदर, चारों दरवाज़ों के अंदर क्रोम है, आपके बहुत मैसिव से हैंडल्स हैं और लेदर इंटीरियर है सारा का सारा। गाड़ी की सारी सीट्स भी लेदर स्टिच्ड हैं, जैसे आप देख सकते हैं वाइट इंग्रेविंग में भी स्टिचिंग की। गाड़ी के अंदर सनरूफ भी आती है, जैसे आप देख सकते हैं सनरूफ आप ओपन कर सकते हैं इसका सनशेड जो है, और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं, पूरी खोल भी सकते हैं ताकि आपको फ्रेश एयर अंदर आती रहे। गाड़ी की जो फ्रंट पैसेंजर्स फ्रंट सीट्स हैं, ड्राइवर पैसेंजर और रेयर सीट्स दोनों एडजस्टेबल हैं इलेक्ट्रॉनिकली बटन से। और गाड़ी की सिर्फ ड्राइवर सीट जो है वो मेमोरी एडजस्टेबल है, मेमोरी से मुराद अगर मेरा कोई बड़ा भाई है और उसकी सीट 1 पे एडजस्टेड है, मेरी 2nd पे है, अगर वो पोजीशन मेरी हिला देता है, मैं सिर्फ 2nd बटन को दबाऊंगा, मेरी पोजीशन पे सारी सीट जो है एडजस्ट हो जाएगी, मुझे सारी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है सीट। और सेल प्लेट्स हर लैंड क्रूजर इनग्रेव्ड होके, जैसे आप देख सकते हैं ब्लू लाइट भी चलती इल्यूमिनेट होते हैं रात के वक्त। और यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की दोबारा सब डोर हैंडल्स पे वुडन पैनल है, क्रोम गार्निश है, ऑटो डोर ऑटो विंडोज अप एंड डाउन, और बहुत मैसेज सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। और यहाँ पर एक और आपको स्पीकर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्पीकर नहीं था, यहाँ पर स्पेस नहीं है, उसी जगह आपको यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है ट्वीटर्स की तरह। यहाँ पर भी ऐसा एयरबैग्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा कर्टन एयरबैग दिया हुआ है। और यहाँ से आपकी जो है डैशबोर्ड कंपार्टमेंट खुला है, जो कि बहुत मैसिव है, जिसमें आप बहुत सी ज़्यादा स्टोरेज स्टोर कर सकते हैं। चाबी से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं, ताकि अगर आप गाड़ी वैलेट में दें या पार्किंग के लिए दें, ताकि आपके कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स ना निकाल सके गाड़ी से। सॉरी मैं गलत था, गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन, आप पीछे से ट्रंक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके पास आपका फ्यूल लैच ओपनर है और आपका बोनेट ओपनर है, जब हम चलते हैं बोनेट की तरफ। और ये गाड़ी का इंजन है, जैसे आप देख सकते हैं यह 4600 cc इंजन है। जैसा देख सकते हैं गाड़ी के लिए हीट इंसुलेट शील्ड भी दी गई है, काफ़ी अच्छी तरह ये हीट इंसुलेट भी करता है। और गाड़ी जो है बहुत आइसोलेटेड और इंसुलेटेड है, गाड़ी के अंदर आपको कोई नॉइज़ भी नहीं आता। यहाँ पर आपका देख सकते हैं यहाँ पे इंग्रेव्ड भी किया है, आपको कौन सा ऑयल डालना चाहिए OW20। यहाँ पर आपका रिले एंड फ्यूज बॉक्स है, यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ी सी आपकी बैटरी है, यहाँ पर आपका रेडिएटर का वाटर है, वाटर का कैप है, यहाँ पे आपका कूलेंट का रेजर्वॉर है, यहाँ पे आपके पास पावर स्टेयरिंग का फ्लूइड है, वहाँ पर आपका ब्रेक्स मार्क सिलेंडर है, साथ ABS का मॉड्यूल भी साथ लगा हुआ है। गाड़ी का यहाँ पे एयर फिल्टर, एयर इंटेक सिस्टम भी है। और जो गाड़ी का जो हुड है वो स्प्रिंग से एडजस्टेड है, यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं, आप देख सकते हैं। मैं जब इसको क्लोज करूँगा मुझे किसी चीज़ उतारने की जरूरत है, मैं सिर्फ बहुत आराम से इसी तरह क्लोज रहता है, जैसे आप देख सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं मैं गाड़ी के अंदर हूँ, इस वक्त गाड़ी ऑन पोजीशन के अंदर है। अब यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट गेज क्लस्टर है, जहाँ पर आपका जो है पार्क, आपका गेज शिफ्टर है, आपके पास पार्क है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, S मोड, इसके अंदर आप इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, बट आप यहाँ से मैनुअली अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं गाड़ी को। यहाँ पर गाड़ी के मुख्तलिफ गेजेस दी गए, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर गेज है, यहाँ पर आपके पास फ्यूल गेज है, यहाँ पर आपके पास स्पीडोकिलोमीटर है जो कि 180 किलोमीटर तक लिमिट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइट्स हैं ऑटोमेटिक एडजस्टेड हैं, और आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक है, आप इसको ऑटोमेटिक पे एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली रात के टाइम ऑन हो जाएंगी। और यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक अपने वाइपर्स हैं, रेयर का भी यहाँ पे फंक्शन है, रेयर के वाटर फेंकने का भी, स्प्लैश करने का भी फंक्शन है, फ्रंट वाइपर का भी स्प्लैश करने का, फ्रंट वाइपर चलाने का स्पीड एडजस्टेड भी हो जाती है यहाँ से। स्टीयरिंग व्हील पर आते हैं, यहाँ पर आपके पास SRS एयरबैग्स दिए गए स्टीयरिंग व्हील के अंदर, यहाँ से आप अपना वॉल्यूम कंट्रोल, नेविगेशन का कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सेट्स, आप मेन्यू से डिफरेंट चीज़ें सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मोड है, जो मोड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं नेविगेशन सिस्टम के अंदर।
और यहाँ पर आपके पास कॉल उठाने के लिए, कॉल ड्रॉप करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास ये नेविगेशन सिस्टम है, जैसे आपके पास कोई असिस्टेंट है, जैसे ये चाइनीज जैपनीज बोल रही है, अगर इंग्लिश में होती, अगर मैं इसे कहता कि मुझे पेट्रोल पम्प जाना है, तो ये मुझे नेविगेशन है सारा सिस्टम शो कर देती बगैर मेरे कुछ किए नेविगेशन सिस्टम के साथ। यहाँ पर आपकी डिस्प्ले है, यहाँ पर आपकी डिस्प्ले है, यहाँ पर आपके पास मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे फ्यूल एवरेज आ रही है इस वक्त, यहाँ पर आपके पास करंट ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, अगर मैं उससे एक्सेलरेशन आ रही है सारी आपकी, 33 किलोमीटर रेंज है पेट्रोल पे, और 0 किलोमीटर स्पीड आप डिजिटल भी देख सकते हैं अपनी स्पीड किलोमीटर, और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है इसे आप देख सकते हैं इसके अंदर। और ये रेडार है गाड़ी का, ये फंक्शन करता है, यहाँ गाड़ी का आपको रेडार सारा फंक्शन दिखा जब गाड़ी चल रही थी क्रूज कंट्रोल पे, और ये आपका डीएसपी ऑन है इस वक्त, और ये गाड़ी का रेडार फंक्शन इसे आपको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ये गाड़ी का क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए, और रेडार की डिस्टेंस भी सेट यहाँ से ही होता है। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ कंट्रोल हैं, जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर के कंट्रोल हैं, गाड़ी के अंदर साइड मिरर से सारे कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट राइट पर एडजस्ट कर सकते हैं, गाड़ी के साइड मिरर जो हैं वो ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाते हैं जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी का जो मिरर है फोल्ड अनफोल्ड हो गया। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल स्विच है आपका, यहाँ पर आपके पास RSCA है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे रोल स्लाइडिंग कोलिशन असिस्ट होता है, मतलब जब गाड़ी अगर आप हार्ड चला रहे हैं तो ये जो पीछे वाले एयर बैग्स होते हैं ना, और खुदा ना खास्ता गाड़ी उलटती है तो पीछे वाले एयर बैग्स डिप्लॉय ना हो ना, मतलब कि खुले ना, सिर्फ आगे वाले ही खुले, ताकि आपके जो पीछे कोई पैसेंजर नहीं बैठा तभी आप गाड़ी बगा रहे होंगे, ताकि आपके पीछे वाले एयर बैग ज़ाया ना हो। और गाड़ी के अंदर हीटेड आप देख सकते हैं कि हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, ETC कार्ड जो कि जापान से आता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो पाकिस्तान सपोर्टेड होता नहीं है। गाड़ी की सारी विंडोज़ जो हैं ऑटोमेटिक हैं, यहाँ पर आपके पास सेंट्रल लॉकिंग है, लॉक है, अनलॉक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर सारी विंडोज़ कंट्रोल है। यहाँ पर आपके पास सारी मेमोरी एडजस्टेड सीट्स हैं, आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, अब मैं सेट का बटन दबाऊंगा तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा, मिडिल सीट है 1 के बराबर एडजस्ट हो जाएगी, मैं यहाँ पर इसकी मेमोरी स्टोर करूँगा इसके। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ कंट्रोल है, यहाँ पर आपके पास आपकी लिवर हैंड ब्रेक है, नई वाली क्रूज़र के अंदर भी इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू बहुत जल्द आ रहा है, उसके अंदर भी ये लिवर वाली हैंड ब्रेक ही दी गई है। यहाँ पर आपके पास H4 है अपना, या आपके पास डिफरेंशियल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको H4 में करनी है गाड़ी, या low 4 में करनी है, high 4 या low 4 में करनी है गाड़ी आपको, तो ये जब ये सिर्फ नॉब काम करे तो आपकी गाड़ी ड्राइव के अंदर होती है। यहाँ पर आपके पास क्रॉल कंट्रोल है, या आपके पास स्पीड एडजस्टेड क्रॉल कंट्रोल, का मतलब है गाड़ी किसी भी माउंटेन एरिया, आपके पास अपने सारे मुख्तलिफ कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ड्यूल ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी है, जैसे आप यहाँ पर अपना जो है टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपना AC वेंट क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वैसे ही आपके पास फीचर अपनी साइड वेंट्स में भी है, जैसे आप देख सकते हैं। गाड़ी का यहाँ पर TV स्क्रीन, जब ये स्क्रीन एक्टिव होती है, TV आप प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन भी एक्टिव हो जाती है, इस वक्त मैं नहीं कर सकता क्योंकि शोरूम के जो ऑनर हैं वो कह रहे हैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम है, तो आप गाड़ी काइंडली स्टार्ट ना करें, मैंने उनकी बात मान ली, तो मैं गाड़ी की जो गाड़ी है स्टार्ट नहीं करूँगा। गाड़ी पे यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ से कंट्रोल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ी का है ये रेडार फंक्शन है, GPS सेटेलाइट कंट्रोल है, जैसे आप देख सकते हैं, सॉरी ये GPS सेटेलाइट कंट्रोल है आपका। यहाँ पर आपके पास सनरूफ ओपन या क्लोज है, यहाँ पर आप सनरूफ को टिल्ट या ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास SOS बटन है, किसी इन केस ऑफ इमरजेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्पॉटलाइट्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं LED स्पॉटलाइट्स हैं, ऑन पे कर सकते हैं, डोर पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं, स्पॉटलाइट वाली ऑन भी होगी, और इसमें आपके पास ये वाली भी लाइट ऑन होगी बड़ी सी। सनराइजर्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास दोनों सनराइजर्स के अंदर लाइट दी गई है, जैसे आप देख सकते हैं, और दोनों तरफ के यहाँ पे दी गई है, जैसे आप देख सकते हैं, और चारों दरवाजे के ऊपर सनवाइजर्स आते हैं, मतलब के ये चीज़ सनवाइजर सारे आते हैं क्रोम प्लेटेड। और ये गाड़ी का वुडेड ये है स्टीयरिंग व्हील, और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक पेडल और आपके ये पुश स्टार्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपके पास स्ट्रंग आइस होल्डर हैं, सही है, और यहाँ पर आपके पास USB की अपनी ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी USB लगा सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और आपके पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर अपनी एस्ट्रे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अपनी एस्ट्रे लेकर आती है फ्रंट ड्राइवर्स के लिए। और यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल कंट्रोल है, जैसे मैं कह रहा था, अगर आप कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करें गाड़ी के ऊपर, हाइकिंग करें, जैसे गाड़ी नॉर्दर्न इंडिया में जा रही है, तो अगर कोई पथरीले इलाके में गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती है, गाड़ी की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं 1, 2 या 3, 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास एडजस्टेबल स्पीड्स हैं। और ये गाड़ी का
ये क्रॉस ओवर कंट्रोल है, जब ये ऑन होता है फंक्शन तो गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, जब ये बल्कि बनिस्पति ऑफ हो तो काफ़ी अच्छा नहीं होता है इसका जो है टर्निंग रेडियस। और ये गाड़ी का आप देख सकते हैं ये क्रॉल कंट्रोल, यहाँ पर आप फंक्शन ऐसे थे, गाड़ी जो है इस वक्त ही माउंटेन पे है तो यहाँ पर आप इसका सिस्टम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर ये लिफ्ट सिस्टम भी है जो कि आपको मैं अभी थोड़ी देर दिखाता भी हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप को लिफ्ट भी करती है अप एंड डाउन। गाड़ी के अंदर स्पोर्ट और कंफर्ट सस्पेंशन भी है, गाड़ी के अंदर पावर मोड भी है, गाड़ी के अंदर सेकंड मोड भी है जो कि सिर्फ पावर सेकंड में देती है आपको। और यहाँ पर आपके पास अपनी फ्रंट हीटेड और कूल सीट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं अपनी आप फ्रंट सीट्स जो हैं वो कूल और हीटेड है, रेयर सीट सिर्फ हीटेड के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फ्रंट सीट्स पर आप देख सकते हैं लेफ्ट का मैं ठंडा भी कर सकता हूँ, नॉर्मल रख सकता हूँ, गर्म भी कर सकता हूँ, राइट साइड वाले के बाद इस तरह भी कर सकता हूँ। गाड़ी के सेंटर के अंदर यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कूल बॉक्स आता है, बहुत इसका ठंडा है, और यहाँ से आप ऑन करते हैं पावर, यहाँ से आती है ग्रीन लाइट चल पड़ती है जो गाड़ी ऑन पोजीशन के अंदर होती है। और यहाँ का बस एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है, आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला स्टोरेज कम इस बटन से ये नीचे आता है, जैसे आप देख सकते हैं ये स्टोरेज कंपार्टमेंट, यहाँ पे अपना फ़ोन कोई भी छोटी सी चाबी भी अपनी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ये गाड़ी की अगेन सनरूफ है जैसे आप देख सकते हैं, और ये गाड़ी की एलसीडी स्क्रीन है पीछे वालों के लिए, जब ये टीवी वाला बटन एक्टिव होता है ये ऑटोमेटिकली ये खुल जाती है स्क्रीन। एंड अगेन ये गाड़ी की है जैसे आप देख सकते हैं, सही है। और यहाँ पर आपको बटन लगा हुआ है 360 डिग्री व्यू कैमरा का, यहाँ पे सिर्फ व्यू लिखा हुआ है लेकिन ये फंक्शन आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा भी देता है। यहाँ पर आपके पास कंट्रोल दिए गए हैं आपके, आपकी जो ब्राइटनेस है आपकी ये एडजस्ट करने के लिए आपके स्पीडोमीटर का, और यहाँ पे आपके पास ऑडोमीटर ट्रिप भी है, ट्रिप है, ट्रिप भी है, और माइलेज टोटल माइलेज आपकी यहाँ पे टोयोटा एम्बलम है, और ये टोयोटा इसकी चाबी है जैसे आप देख सकते हैं, सिर्फ लॉक एंड अनलॉक इसके ऊपर। और जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, जैसे आप देख सकते हैं मैं गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट कर सकता हूँ, ये देखें जब गाड़ी आप ऑन करते हैं टोयोटा का एम्बलम आता है और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैं गाड़ी का जो स्टीयरिंग है आप भी कर सकता हूँ इस बटन के जरिए, नीचे भी कर सकता हूँ, बैड भी आया हुआ है, अंदर भी जा सकता है स्टीयरिंग, जैसे आप देख सकते हैं बैड भी आ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है इसका सारा। ETC जब गाड़ी ऑफ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन में